माननीय मंत्री जी आप पढ़ा हो, आप प्रश्न पूछें, सीधा प्रश्न पूछें। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से यही जानना चाहती हूँ कि जो आंगनबाड़ी जहाँ चल रही है वो उनके खुद के भवन है या नहीं है। मैं अपने सारे प्रदेश की एक मेरे को लिस्ट दी है, अभी अभी मिली है मेरे को, और उस लिस्ट के अंदर ही उन्होंने आंकड़े आंकड़े दे दिए है, मगर मैं आंकड़ों से कोई मतलब नहीं है। मेरे को मतलब है कि जहाँ भवन है या नहीं है। जैसे मैं सूरसागर की बात बताऊं, जोधपुर शहर की बताऊं, सरदारपुरे की बताऊं, ये तीन तो मैं बता ही सकती हूं। तो मैं बता रही हूं कि जब मैं यहाँ पर भी समय के अनुसार नहीं है, सूरसागर तो ऐसी स्थिति है जहाँ की कितनी शेड्यूल कास्ट बस्ती है, कैसी कैसी बस्ती है, हरिजन बस्ती है, वो है सारे, फिर भी ऐसी कोई ऐसा कोई है तो मंत्री महोदय ये बता दे कि सूरसागर में इतने भवन में आंगनबाड़ी चल रही है, कोई भवन में अध्यक्ष महोदय आपका उत्तर सुन ले। आप बिराज हो, एक मिनट मेरे को बोल। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जब जाती हूँ और देखती हूँ तो किसमें देखती हूँ, बाहर आके एक महिला बोलती है कि जी जी आप बैठो, मैं आपने बताऊँ वह कई बतावेला, एक बगस लावेला लो रो, और लो रो बगस ला रजिस्टर कार्ड बतावेला, और बच्चा कह लागे बारे रमन ने गया। आ स्थिति है, और इन तरह इन वास्ते मारो आपने नाटक, कोई प्रेस्टीज पॉइंट नहीं। अच्छा आप बिराजो माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी बहुत स्पेसिफिक, सूरसागर में कितनी आंगनबाड़ी चल रही है, कितने भवन नहीं है, जिनके बारे में आप बता दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, सूरसागर के अंदर जो कि जोधपुर शहर के अंदर आता है, 92 आंगनवाड़ी चल रही है, कुल स्कूलों में संचालित 19 है, और किराए के भवन में 73 है, जिनमें पेयजल सुविधाएं 88 में है, शौचालय वगैरह 34 में है, और बिजली की जो सप्लाई है वो 82 के अंदर है। अब माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है वो वास्तव में है, लेकिन शहरी क्षेत्र के अंदर, चूँकि मेरे जवाब में लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय कि भवन भूमि मिलना, पैसा आना, इन तमाम चीज़ों के ऊपर डिपेंड है ये सब, और शहरी क्षेत्र के अंदर भूमि मिलना बहुत कठिन हो जाता है कि आंगनवाड़ी के लिए भूमि मिलना, और जैसे ही हमारे पास में शहरी क्षेत्र में भूमि उपलब्ध होगी हम आंगनवाड़ी केंद्र नए बनाने का प्रस्ताव भी रखेंगे। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा भारत सरकार को नवनिर्मित आंगनवाड़ी आपने फिगर दिया 92 वहां पर आंगनबाड़ी है जी, 19 में आप स्कूल में चल रहे हैं और 73 प्राइवेट में चल रहे हैं, आप उन प्राइवेट के लिए माननीय सदस्य को दें, जो माननीय सदस्य के साथ विभाग का अधिकारी जाके देख ले कि वास्तव में वो प्राइवेट में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ये मंत्री जी, ये माननीय सदस्य की चिंता ये है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जो बात कही मैं विभाग के अधिकारी को इनके साथ लगा दूंगी, लेकिन मैं एक चीज निवेदन करना चाह रही हूँ। हाँ माननीय, प्रश्न से रिलेवेंट ही बात बता रही हूँ कि हम लोग आंगनवाड़ी बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए भारत सरकार को अब तक प्लीज ऑलवेज बी कन्फर्म टू द आंसर, आप उसका उत्तर का स्कोप इतना नहीं है, आप लिमिटेड इंटरेस्ट है। माननीय सदस्य वहां जाते हैं और वो बता रहे हैं कि वहां पर वो उनको दीदी बाहर बैठा देते हैं और कमरा का चलना मालूम नहीं है, तो आप 73 जो प्राइवेट चल रहे हैं उनके नाम इनको दे दो और विभाग के अधिकारी इनके साथ जाकर वहां पर चेक कर ले, सीधी बात करा दूंगी अध्यक्ष महोदय। अगला प्रश्न।